कांगड़ा जिला में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही वर्षा के कारण गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ है। जिले के किसानों का कहना है कि पहले वर्षा ना होने के कारण गेहूं की फसल प्रभावित हुई, फिर आवारा पशुओं ने भी फसलों को खूब बर्बाद किया। अब जो कुछ फसल बची थी वो लगातार वर्षा के कारण अंकुरित होनी आरंभ हो गई है, इसकी तूड़ी भी खराब हो गई है। इससे किसानों की भविष्य की चिंताएं बढ़ गई हैं। कांगड़ा जिला में 48,000 हेक्टेयर गेहूँ की पैदावार होती है। इस बार जो है बारिश की वजह से हमारी सारी फसल जो है ख़राब हो रही है, मौसम साफ़ नहीं हो रहा है। उम्मीद थी कि मौसम जो है वो साफ़ हो जाएगा और हम पूरे साल की जो मेहनत है, हम जो अनाज पूरे साल खाते हैं उसकी कटाई कर पाएंगे, परंतु बारिश जो वो लगातार हो रही है, इस कारण हमारा जो सारा फसल है वो ख़राब हो गया, काली पड़ गई है। आजकल गेहूं की कटाई का सीज़न चला हुआ है, लेकिन बारिश की वजह से हमारी फसल को कितना नुकसान हुआ है। अप्रैल महीना भी बारिश में निकल गया, मई स्टार्ट हो गया, आज तक तो हम अपनी फसल को काट कूट के अंदर कर लेते थे, लेकिन अप्रैल महीना भी बारिश में निकल गया और जो थोड़ी ओलावृष्टि से और तूफान से हमारी फसल जो है वो लेट गई थी, और जो अब 2-3 दिन से बारिश हो रही है तो उससे भी हमारी फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है, जिससे गेहूं का रंग भी थोड़ा बहुत काला पड़ गया है, इससे हमें काफ़ी नुकसान हो रहा है।